أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शमसुर रहमान, अवान शरीफ, गुजरात, पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ के बारे में। एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ऐसी एंटीबॉडीज़ जो स्पर्म की एंटी हैं, यानी स्पर्म को ख़त्म करने वाली हैं। ये इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा काज है, जिसको डिस्कस बहुत कम किया जाता है, क्योंकि ये एक इम्यूनिटी का डिसऑर्डर है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ हो या इम्यूनिटी की मिस्टेक हो, तो इसमें एलोपैथिक फील्ड में या तिब्बे जदीद जिसको बोल रहे हैं, इसमें इसका कोई ताहाल इलाज दरियाफ्त नहीं है, स्वाय स्टीराइड के या इम्यूनिटी को डाउन करने के, इम्यूनिटी को लो करने के। अगर इम्यूनिटी लो करेंगे, वक्ती तौर पे एंटीबॉडीज़ तो लो होंगी, लेकिन उसके नतीजा में और कई बीमारियों की बंदा अमाजगा बन जाएगा। लिहाजा ये बहुत ही एक अहम नुक्ता है एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ का। ये दर हकीकत IgG, IgA, IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो स्पर्म एंटीजन के अगेंस्ट बनती है, स्पर्म को ख़त्म कर देती है। कुछ मेल हजरात में हुआ है एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, जिसके नतीजा में उनके अंदर ही स्पर्म का लेवल जो है वो या तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो होता है। बाज़ केसेस मैंने ऐसे देखे कि जिनमें ना तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी, ना ही उनके टेस्टिस में कोई रुकावट थी, ना ही टेस्टिस का साइज़ छोटा था, लेकिन फिर भी उनकी सेमन में स्पर्म खारिज नहीं होते थे। ऐसे मरीजों में एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ का टेस्ट होना लाजम है। ताहाल अभी तक तिब्बे जदीद एलोपैथी में एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ का कोई भी इलाज दरियाफ्त नहीं है, क्योंकि ये इम्यूनिटी की वजह से है। मिस्टेकनली इम्यूनिटी खुद ही इंसान की जो है वो अपनी एंटीबॉडीज़ के ज़रिए जो है वो स्पर्म को फॉरेन बॉडी समझते हुए उस पर अटैक कर देती है। ये मसला काफ़ी गौर से समात फरमाने के काबिल है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल गौर से अव्वल से लेकर आखिर तक बगौर सुने, गौर से सुने, ताकि इसका कोई भी पहलू आपसे पर्दा में ना रहे, पोशीदा ना रहे। इसके मुख्तलिफ असबाब हैं। ये जो एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ ASA, एंटीस्पर्म ASA, ये जो बॉडी में पैदा होती हैं, इसके मुख्तलिफ असबाब हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ असबाब तो ऐसे असबाब हैं, मैं एक बात अर्ज करता चलूं कि मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर इंसान इस्लाम के मुताबिक या तिब्बे नबवी के असूल्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, तो इस तरह की पेचीदा बीमारियां जन्म ही नहीं लेती। इस वीडियो में इसके जब आप काज ऑफ डिजीज़ देखेंगे, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा
कि इस्लाम ने हमें हर पहलू पे बीमारी से बचाया है। दोस्तों, सबसे पहला काज हम इसका जो देखते हैं वो है एनल सेक्स। एनल सेक्स की वजह से बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जब मेल का स्पर्म एनल में दाखिल होता है तो क्योंकि ये स्पर्म की जगह तो नहीं है, स्पर्म के ठहरने की जगह तो नहीं है, नतीजतन जिस्म की इम्यूनिटी उसको देखेगी और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज जो बॉडी में वो बिल्ड अप करना शुरू कर देगी और वो एंटीबॉडीज जो हैं वो उस पे अटैक करेंगी, उसको ख़त्म करेंगी, फिर वो सीरम के अंदर भी सर्कल करती रहेंगी। एक तो ये काज है। दूसरा काज ओरल सेक्स। ओरल सेक्स के नतीजा में भी जब स्पर्म अंदर दाखिल होते हैं तो उसके अंदर भी एंटीबॉडीज पैदा होनी शुरू हो जाती हैं उसको ख़त्म करने के लिए। एलिमेंट्री केनाल के अंदर एंटीबॉडीज जो है, जब स्पर्म जाएगा तो जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। तीसरा, देखें, मजहब ने हमें यह सिखलाया है कि जनाबत की हालत में ज्यादा टाइम ना गुजारो। अगर जनाबत की हालत में यही एंटीबॉडी जो सीमन के स्पर्म्स हैं अगर यही यूरिनरी ट्रैक्ट में ट्रैवल कर जाएं तो यूटीआई हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी, नतीजतन साथ में उसके, क्योंकि उसकी भी ये जगह नहीं है, एंटीबॉडीज पैदा होनी शुरू हो जाएंगी बॉडी में, फिर वो जो एंटीबॉडीज पैदा होंगी वो खुद बाहुद ही स्पर्म को ख़त्म करने के लिए बॉडी में एक फोर्स तैयार हो जाएगी और वो फोर्स जब भी स्पर्म बॉडी में देखेगी या उसको पर अटैक करेगी, उसको ख़त्म करेगी, नतीजतन क्या होगा कि औलाद से महरूमी। इसमें चंद असबाब ऐसे हैं जो तो फौरी तौर पे नतीजा दे देते हैं और चंद असबाब ऐसे हैं कि जिनकी वजह से फौरी तौर पे एंटीबॉडीज क्रिएट नहीं होती बल्कि आहिस्ता 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 जब जिस्म उसको महसूस करना शुरू कर ले, जिस्म को सिग्नल मिल जाए कि ये फॉरेन बॉडी है तो फिर वो अटैक करता है। इन्फेक्शन के नतीजा में भी ऐसे बॉडी में बिल्ड होना शुरू हो जाती हैं। टेस्टिकुलर इंजरी की वजह से भी बॉडी में ऐसे पैदा होना शुरू हो जाती हैं। वारिकोसल की वजह से भी बॉडी में पैदा होना शुरू हो जाती हैं। प्रोस्टेट की वजह से भी पैदा होना शुरू हो जाती हैं। प्रोस्टेट कैंसर की वजह से, टेस्टिकुलर कैंसर की वजह से भी एंटीबॉडीज पैदा होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इसकी एक और भी वजह जो नाकाबले फरामोश है वो है गनोरिया, साइकोसिस। अगर साइकोसिस की पॉइजन है और वो सोराइत टेस्टिस की तरफ कर जाए और या स्पर्म के साथ बाइंड हो जाएं इसके बैक्टीरिया की प्रोटीन वगैरह, या पस जो है जब वो बाइंड होती है, चिपकती है स्पर्म के साथ, तो फिर जब वो एंटीबॉडीज पैदा होते हैं तो वो स्पर्म और पस दोनों को मद्देनज़र रखते हुए मजमूई तौर पर पैदा हो जाती है। यानी उस तरह की, उस लेवल की, उसके अगेंस्ट एक नई किस्म की प्रोटीन आ जाती है, वो प्रोटीन भी स्पर्म को ख़त्म कर देती है। बाज हवातीन ऐसी हैं जिनके अंदर एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं। मर्द सीमिनल इन्फेक्शन में मुबतला है, मर्द की पस
औरत के अंदर दाखिल होती है सीमन के साथ, तो उसका इम्यून सिस्टम जो है उस पर अटैक कर देता है, फिर वो स्पर्म जो है उनको उनको ख़त्म कर देता है, साथ में स्पर्म भी ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह फिर इनफर्टिलिटी का केस एक नई सूरत में सामने आता है। अगर इसमें आप स्पर्म को बूस्ट करने के लिए भी मेडिसिन दें तो नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ हैं बॉडी में, वो खुद ही अटैक करके ख़त्म कर देती हैं। एक चीज़ इसमें और काबले गौर है कि बाज़ बंदे वैसे ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, उनमें कोई ऐसा रीज़न सामने नहीं आता जिस या इन्फेक्शन वगैरह, नसबंदी के ऑपरेशन में भी जो है एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ पैदा होना शुरू हो जाती हैं बाद में, लेकिन बाज़ बंदे ऐसे हैं जिनमें कोई भी वाज़े तौर पे कोई भी ऐसा रीज़न नज़र नहीं आता, लेकिन उनका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है और उनकी बॉडी में भी ऐसी एंटीबॉडीज़ जो है क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं जो स्पर्म के अगेंस्ट होती हैं, वो स्पर्म की को ख़त्म कर देती हैं, किल कर देती हैं, उनको बर्बाद कर देती हैं। ऐसे केसेस का एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं, ऐसे केसेस का तिब्बे यूनानी में ताहाल कोई इलाज नहीं, कोई भी इसकी रिसर्च सामने नहीं आई, लेकिन होम्योपैथिक एक ऐसी जिंदा फील्ड है जो बहाल ही इम्यूनिटी को करती है, जो इम्यूनिटी को ही बूस्ट करती है, जो इम्यूनिटी की ही सलाह करती है। देखिए, इम्यूनिटी का काम है एंटीबॉडीज पैदा करना, होम्योपैथी का काम है इम्यूनिटी को सही करना, इम्यूनिटी को शफा देना, इम्यूनिटी की हामी को दूर करना, इम्यूनिटी के हलल को दूर करना। इस पे आगे हम बात करेंगे। इसके हम देखते हैं टेस्ट क्या हैं, कैसे ये डिटेक्ट की जा सकती है एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज। पहला इसमें होगा इमोबिलाइजेशन, स्पर्म इमोबिलाइजेशन टेस्ट, SIT, सीरम से होगा, स्पर्म इमोबिलाइजेशन टेस्ट। दूसरा एंटीग्लोब्यूलन रिएक्शन टेस्ट। तीसरा IBT, इम्यूनोबीड टेस्ट। चौथा ELISA। ख्वातीन में सर्वाइकल म्यूकस फॉलिकुलर फ्लूइड से होगा, मर्दों में ये इजैकुलेटेड सेमन लेके उससे भी हुर्दबीनी मुशाहिदा होगा, यानी कि मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ टेस्ट से ये कन्फर्म किया जा सकता है कि बॉडी के अंदर एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ जो है ASA ये क्रिएट हो चुके हैं, और आस्पर्मिया का काज भी ये हैं जिसकी वजह से स्पर्म ज़ीरो हो गए हैं। बाज़ ऐसे बंदे हैं जिनमें जो ओलिगोस्पर्मिया के केस हैं उनमें भी एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ की वजह से जो है उनकी स्पर्म काउंटिंग कम होना शुरू हो जाती है। एलोपैथिक फील्ड में कार्टिकोस्टीराइड्स दिए जाते हैं या फिर इम्यूनिटी को लो किया जाता है, जो कि एक गलत तरीकाकार है। इम्यूनिटी को सवाल यह है कि इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करना है, सिम्टम्स क्या हैं। दोस्तों, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बाज़ बीमारियाँ ऐसी हैं जो खामोश होती हैं, जो अपना ज़ाहरी अपनी अलामात तो नहीं रखती। ये मैं किसी की दिल आज़ारी के लिए बात नहीं कर रहा, बल्कि ये मैं अपने दोस्तों से अपने जज्बात शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे अक्सर मैंने ये देखा है कि भाई हम सिम्टम्स से आगे कोई बात नहीं करते,
भाई कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो खामोश हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में अपनी फैटी लीवर के जो उन्वान से वीडियो थी उसमें बताया कि फैटी लीवर के कोई सिम्टम्स शुरू में सामने नहीं आते। इसी तरह इसके भी सिम्टम्स, इसका यही सिम्टम है कि टेस्ट सीमन में नहीं आ रही। इसका यही सिम्टम है कि एंटीबॉडीज क्रिएट हो गए हैं, एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज क्रिएट हो गए हैं। अब इसमें ये नहीं होगा कि तकलीफ एक ओ सीजनल होते हैं डॉक्टर जो कहते हैं कि सुबह को होती है शाम को होती है, हर बीमारी में ये दरियाफ्त करते हैं। एक वो होते हैं जो पूछते हैं कि भाई आपकी इस वक्त जहन की क्या कैफियत है, आपकी जहनी अलामत क्या है, आपको ख्वाब कैसे आते हैं। भाई ये भी नहीं, क्योंकि ये और भी कई अलामत हो सकती हैं, लेकिन ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये एक अपना ख़ास दायरा रखती हैं। इन एंटीबॉडीज़ का काम किसी और हिस्से में सिम्टम्स अपियर करवाना नहीं, बल्कि इनका बस यही काम है कि आंखें बंद करके अटैक कर दो स्पर्म पे। ये एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ दिमाग पे अटैक नहीं कर रही, ये लीवर पे अटैक नहीं कर रही कि आपको टोटेलिटी मिले। ये एक वो भी तबका है जो कहता है कि जी हम टोटेलिटी ऑफ सिम्टम्स से के आगे कोई बात नहीं करते। भाई जैसे दौर जदीद हो रहा है वैसे होम्योपैथी भी जदीद हो रही है, लेकिन आप क्यों सोए हुए हैं? आप बस अभी तक इसी रुझान में है कि टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स। भाई अगर अफसोस है कि हनीमैन इस दौर में नहीं है, अगर हनीमैन इस दौर में होते तो आज के दौर के मुताबिक, आज की रिसर्च के मुताबिक, आज की खामोश बीमारियों के मुताबिक आपको इलाज का एक नया राह हमवार करके देते। लेकिन उनकी जिंदगी में आपने नहीं मानना था, ये हमारे एक कल्चर राइज है। उनकी जिंदगी में उस वक्त नहीं माना गया, उनकी मुखालफत की गई थी। यहाँ पे जिंदगी की नहीं कदर की जाती बल्कि लाश की कदर की जाती है। हनीमैन ने अपनी जिंदगी में जो दुश्वारियां देखी, जो तकलीफें देखी, जो तनज का सामना करना पड़ा उनकी फील्ड को, लेकिन उनके जाने के बाद यही फील्ड आज दुनिया पे सबसे वसी रेंज फील्ड है। याद रखें होम्योपैथिक दुनिया में अव्वल नंबर की पहला तरीका इलाज है, मैं इसको दूसरा नहीं कहता। ये सबसे वसी तरीका इलाज है जो अपने अंदर बिलमिसल अद्वियात का इतना जहीरा रखता है। एलोपैथिक मेडिसिन में तकरीबन 450 से 500 से ऊपर मेडिसिन का तसव्वुर भी नहीं है। इसमें कमोबेश 3500 से जायद अद्वियात है और मजीद अभी रिसर्च के साथ, प्रूविंग के साथ सामने आ रही हैं। और ये एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें ये इसका ऐसा मटीरिया है, ऐसा मटीरिया मेडिका रखती है जो जिसमें बिल जिद अद्वियात भी हैं, बिल मिसल अद्वियात भी हैं। यहां पे सिर्फ इम्यूनिटी की इसलाह की जरूरत है। काज ऑफ डिजीज देखें पेशेंट का कि क्या है। यहां पे आपको इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करने वाले मियाज़म की तलाश की जरूरत है। अगर एक काबल डॉक्टर है, एक होम्योपैथ काबल है, वो यहां पे मियाज़मेटिक थ्योरी यूज करता है, यहां पे कभी बेशी नहीं देख रहा, यहां पे बस मियाज़म की पहचान कर रहा है कि किस मियाज़म ने इसकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब किया था। एक तो ये चीज देखेगा। दूसरा, काज ऑफ डिजीज में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की अलामात को मद्देनजर रखेगा।
और उस पर जो है सिलेक्शन मेडिसिन की होगी। यही इसकी इतनी सी टोटेलिटी है। बिलजिद तरीका इलाज में भी एक मेडिसिन जो मेरे तजुर्बा से गुजरी, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में मैंने जिसको मुफीद पाया, जिसने जिस्म से उस प्रोटीन का खात्मा कर दिया जिसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज क्रिएट हुए थे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसा कि एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के केमिकल्स जो है वो बाइंड हो जाते हैं ब्लड सेल्स के साथ जाके या प्रोटीन के साथ जाके, फिर वो नई शक्ल लेते हैं, इम्यून सिस्टम उसको जो है फॉरेन बॉडी समझ के अटैक करता है, उसकी सफाई तक करके उसको बिल्कुल क्लीन करके बॉडी को क्लीन कर देती है। एक तो ये, दूसरा इसमें सबसे मोतबिर हेल्पिंग मेथड है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी के मुतालिक हम अगली वीडियो में गुफ्तगू करेंगे और साथ में इसी पहलू पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे कि ऑटोफेजी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या हेल्प करती है और कौन सी मेडिसन है जो बॉडी को न्यू कर देती हैं, क्योंकि यहां पे बॉडी को रिन्यू करने की जरूरत है। डिसऑर्डर उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक बॉडी अपनी पहली हालत में नहीं आती। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, फी मानिल्ला, अल्लाह हाफिज।